नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से बिरयानी की रेसिपी। थोड़ी सी अलग तरह की बनाने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं। 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें एक बड़ी इलायची डाली है, 3-4 काजू और 3-4 बादाम कट करके डाले हैं। पहले इनको पानी से धो लिया और ये हमने 4-5 छोटे प्याज बारीक काट के डाले हैं और इनको खूब अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये बिल्कुल सुनहरे भूरे हो जाएं तब तक इनको अच्छे से फ्राई करते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ये 3-4 हरी मिर्च ली हैं, इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज अच्छा भुनेगा इसके अंदर तो अच्छा फ्लेवर आएगा, तो अच्छे से फ्राई करना है प्याज को। अभी हम इसके अंदर ये मूंग है जो हमने रात भर भिगो दिए, और ये देखिए बिल्कुल अंकुरित हो गए हैं। ऐसे अंकुरित मूंग 1 कटोरी डाले हैं, इनको भी थोड़ा फ्राई करेंगे। इनको मटकी भी बोलते हैं महाराष्ट्र की साइड, और कहीं भी बोलते होंगे, और आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। ये 2 छोटे आलू लिए हैं बारीक काट कर, ये भी इसके अंदर डालेंगे। एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो स्वाद अनुसार नमक। लाल मिर्च पाउडर आप स्वाद अनुसार रखें, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से। और अभी हम मसालों को फ्राई करेंगे कुछ देर, तो अच्छे से फ्राई करना है जब तक मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाए। तब तक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक फ्राई करना है इनको। अभी ज़रा सी हींग डालिए इसके अंदर और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको भी थोड़ा सा चला देंगे हम। और अभी हम इसके अंदर 2 टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे। और अभी इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी आप इसके अंदर नहीं डालें। और थोड़ा सा चलाने के बाद इसको ढककर पकाएंगे। जब तक हमारे आलू और मूंग अच्छे से पक नहीं जाएं तब तक हमें पकाना है। बीच में आप चेक करके थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं इसके अंदर, ताकि आलू और मूंग अच्छे से पक जाएं। भी 1/2 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर जब ये पक जाए अच्छे से। आलू थोड़े थोड़े कच्चे रहें तब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। 1 कटोरी चावल लिए हैं हमने, नॉर्मल कटोरी जो होती है घर में। साफ़ पानी से इनको 3-4 बार हमने धो लिया और ऊपर पूरे के ऊपर हम चावल की परत लगा देंगे और ऊपर से इसको पूरे में कर देंगे चावल को, और ढककर पकाएंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पकने के बाद कसूरी मेथी डाल देंगे। और ये लीजिए हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितनी अच्छे से बनी है, खिली खिली, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। आलू थोड़े कच्चे ही हों ताकि आप चावल डाल के पकाएं तो बिल्कुल अंदर मैस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल अलग अलग पीस है देखिए इसके अंदर आलू के, तो इतना कच्चा रहे तब आप चावल डालें ताकि आलू भी पक जाए और चावल भी। ये लीजिए हमने इसको सर्व कर दी है, ये देखिए बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो खाइए गर्मा गर्म।
बिरयानी। अभी हम इसको पुदीने से डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो पुदीना पहले भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। और आप ऊपर से भी कट करके डाल सकते हैं पुदीने के पत्ते, तो भी अच्छे लगेंगे, बिरयानी आपकी और भी टेस्टी हो जाएगी। पुदीना लास्ट में डालें, जैसे लास्ट में हरा धनिया डालते हैं वैसे ही। और थोड़ा सा हम इसके अंदर दही डाल देते हैं, ऐसे भी खाएंगे बिरयानी का टेस्ट ऐसे भी बहुत बढ़िया आएगा। हमने डेकोरेट के लिए दही डाला है, लेकिन आप डाल के भी खा सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है हमारी बिरयानी, तो बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। ये देखिए कितनी यम्मी टेस्टी बनी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। डिलीशियस बिरयानी।